कटिहार में वैक्सीनेशन को लेकर युवा वर्गों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन केंद्र में केंद्र जिला पदाधिकारी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लेने पहुंचे। जिला पदाधिकारी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जिला में उत्सव का माहौल है और हर कोई वैक्सीन जरूर ले। कटिहार में आज 18 से 44 साल तक के बीच कुल 9600 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। कम्युनिटी किचन को आपने विजिट किया, आपने खुद खाना भी खाया, क्या लग रहा है आपको, कितना व्यवस्थित है ये कम्युनिटी किचन? हम लोगों ने स्टार्ट किया है 3 दिन पहले से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसी दिन के अगले दिन से हम लोगों ने शुरू किया है। इसका बेसिक पॉइंट ये है कि लॉकडाउन होने के कारण कई लोग जो दैनिक मजदूर होते हैं या रिक्शा चालक होते हैं, जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनको हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण डेली काम ना मिले, तो उनके लिए बेसिकली, और जो वृद्ध हैं, भिखारी हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि रोड पर रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। ये हरिशंकर नायक जो हमारा दुर्गा स्थान स्कूल है उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की है। खाना बहुत अच्छा बना है, मैंने स्वयं खाया है, सब्ज़ी वगैरह अच्छी बनी है, साफ़ सफाई भी अभी दिख रही है, और कुछ जो आवश्यक निर्देश हमें देने थे हम लोगों ने दे दिया है। और हम लोग यही चाहेंगे कि इस लॉकडाउन की अवधि में जितने भी लोग को खाना खाने में दिक्कत है, मैं अपील करता हूँ सब लोग यहाँ आएँ और इसका स्वाद का आनंद उठाएँ, खाना खाएँ, और उसके बाद अपने अपने घरों में जा कर के घर में ही रहें और मास्क पहने। यहाँ भी हमने कह दिया है कि मास्क का इंतज़ाम कर देने के लिए, कई बच्चे आ रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है तो खाना।